यही हमारी आपको तरबियत, यही हमारा आपको सबक कि आप अल्लाह ताला की कायम करदा हदूद के अंदर रहते हो। कि हदूदुल्लाह को नहीं छेड़ना, हदूदुल्लाह से बाहर नहीं निकलना, अल्लाह ताला की कायम करदा हदूद के अंदर रहते हो आपको आजादी, मुकम्मल आजादी। अल्लाह ने ये सलाहियतें दी इसलिए कि इनका भरपूर इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर आज हमारे दरमियान एक ऐसी बच्ची मौजूद है जो एक जमाने में आप ही की तरह नफल नाथ में बैठी होती थी, आज माशाल्लाह वकालत का इम्तिहान पास करके आ गई है। और जब इस अकेडमी की तरफ से हमने पहली बार ऐलान किया कि अ ट्रिप इज गोइंग टू लाहौर, हम बच्चों को लेकर लाहौर जा रहे हैं, जिसने जाना है वो आ जाए, तो ये बच्ची सबसे पहले तैयार हुई, हमारे साथ लाहौर गई, मुख्तलिफ जगहों की सैर की और एक ही दिन में लाहौर के तारीखी मकामात की सैर करके तो वापस अपने घर में पहुंच गई। मुझे उसी वक्त पता था कि ये बच्ची अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को इस्तेमाल कर रही है और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ये किसी मकाम पर पहुंचे। आज ये वकालत का इम्तिहान पास करके वकील बनकर हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन मुझे यकीन है आज मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि ये इसकी मंजिल नहीं है, इसकी मंजिल बहुत आगे है। ये इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी, बहुत तरक्की करेगी। मेरी और आप सबकी दुआएं इसके साथ हैं और मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ एक मिनट के लिए, अगर ज्यादा नहीं आई, आ सकती है मुझे यकीन है, तो यहां आपके सामने आए ताकि आपको भी इस बच्ची के इख्तियार किए हुए अपनी जात की आगही और उसको आगे बढ़ाने के रास्ते पर अमल कर सके। कर लो, देखो उसने कहा तो करेंगे। अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको यकीन है कि आप कर सकते हैं, तो आप मेहनत कीजिए, तालीम में दिल लगा के पढ़ें, इंशाल्लाह जो आप चाहते हैं आप जरूर करेंगे। इंसान को मायूस किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, मायूसी वैसे भी अल्लाह ताला ने कुफर का दर्जा दिया है कि मायूसी कुफर है। मेहनत के साथ, कोशिश के साथ आप जो चाहें वो हासिल कर सकते। मैं तो आज इसी नतीजे पर पहुँची हूँ कि आपका जो ख्वाब है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। आप जो चाहते हैं वो ज़रूर बनेंगे, किसी के से डरने की या घबराने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है और आपकी मेहनत सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो मेहनत है। आप मेहनत करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं और मेरी तमाम दुआएँ जो हैं वो आप सबके साथ हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और आगे बढ़ने का हौसला दे। आज हमारी सेकेंड ईयर की बच्चियां इम्तिहान के लिए रवाना हो रही हैं। हम सब दिल की गहराइयों से इनकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। एक दफ़ा सूरह फातिहा और तीन दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत कर लें, उसके बाद फिर हम सब मिलकर इनकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु वा इय्याका नस्तईन, बिस्मिल्लाहिर रहीम। खुदा रब्बे रहीम व करीम, ऐ ज़ुल जलाल वल इकराम, ऐ हमारे खालिक व मालिक,
اے عزت دینے والے، اے کامیابی عطا فرمانے والے، اے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانے والے، ہم نے تیرے پاک کلام کی تلاوت یہ سمجھ کر اور سن کر کی ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اے ہمارے رب، یہی سوچ کر، یہی سمجھ کر ہم نے تیرے پاک کلام کی تلاوت کی ہے، اور تجھے رحیم سمجھ کر، تجھے کریم سمجھ کر، تجھے ذوالجلال والاکرام سمجھ کر، تجھے رحمتیں اور برکتیں برسانے والا سمجھ کر تیرے آگے ہم نے یہ ہاتھ پھیلائے ہیں کہ ہماری ان بچیوں کو اور ہمارے امتحان دینے والے تمام دوسرے بچوں اور بچیوں کو اس امتحان میں اور اس کے بعد ان کی زندگیوں میں آنے والے تمام امتحانات میں اعلیٰ، شاندار اور بہترین کامیابی عطا ہو۔